Hello everyone, today we are going to discuss about the next 50 questions which were asked in your previous year question papers, okay? And these are very important for your incoming exams also. So let us start with the 51st question that says that which was the first woman film star nominated elected to the Rajya Sabha. So pehli Rajya Sabha mein elect ya nominate hone wali film star puchhi gayi hai mahila. To ye thi Nargis Dutt, theek hai, yaad rakhiyega inka naam, theek hai. उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं अभी हेमा मालिनी भी सिलेक्ट की गई थी, ठीक है, राज्यसभा की इलेक्टेड, लेकिन इन्होंने फर्स्ट वुमेन बोली है ना, तो नरगिस दत्त थी वो, ठीक है. विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. तो पहला जो है ब्रिटिशर्स ने पहला फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट किया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है. उसके बाद विच फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया. तो ये थी सुचेता कृपलानी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट भी होता है. पहली सीएम जो भारत की बनी थी किसी स्टेट की, सुचेता कृपलानी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन से स्टेट की बनी थी. हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट द राजगृह. तो ये राजगृह में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी उसके प्रेसिडेंट थे महाकपशा, ठीक है. तो ये भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. बुद्धिस्ट की चार काउंसिल जो हुई थी उनके प्रेसिडेंट और कहाँ कहाँ पे ये हुई थी, उस टाइम पे राजा कौन सा था, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी बातें हमने पढ़ ली हैं अपनी एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है. 55 क्वेश्चन कहता है हु वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द रोमन एम्पायर. तो रोमन एम्पायर के साथ पहला ट्रेड किसने कॉन्टैक्ट किया था, तमिल्स ने, ठीक है. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, विद द कंजर्वेशन ऑफ विच थिंग, किस चीज़ की कंजर्वेशन की बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये एनर्जी की बात करता है. बाई हुम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया लेड. तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, जो पहला मुस्लिम इन्वेजन जिसने की थी भारत की, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम. और ये जो है, मैंने जब आपको मिडिवियल हिस्ट्री के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है, वो जाके आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए. वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिपीटेडली क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है. तो वो पांच ही हैं आई थिंक, ठीक है, तो वो जाके देखिएगा प्लीज़. वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मिडिवियल हिस्ट्री के, ठीक है. उसके बाद अगेन आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ नॉट फॉर माई पब्लिसिटी ऑफ माई वीडियोज़, इट इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है. और आप भी उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और सबको इसकी नॉलेज हो, ठीक है. 58th क्वेश्चन कहता है वट वॉज द सचिन तेंदुलकर एवरेज वेन ही मेड हिज फर्स्ट 1000 रन इन द ODI. तो ये 35.83 था इसका आंसर. इनकी एवरेज जो निकाली गई थी, विच वॉज द मिडिवियर रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर. तो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो पहली बार मिनिस्ट्री बनाई गई थी मिडिवियर रूलर में, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है. तो हमने ये देखा था कि पहला जो है वो मुगल इन्वेजन किसने की थी, तो वो कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम. तो इसमें पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पहली किसने स्थापित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक है. ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है. हु वॉज द लीडर टू हैव द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ द फायरिंग द फर्स्ट शूट इन द रिबिलियन ऑफ 1857. तो ये थे मंगल पांडे. याद रखिएगा, फर्स्ट शूट मतलब इनको ही पहली गोली बजी थी, ठीक है, मंगल पांडे को, ठीक है, क्योंकि यही पहले आए थे सामने लड़ने के लिए. तो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से उसके थे, ठीक है, जैसे बटालियंस बने होते हैं ना अलग अलग, इनकी वो होती थी, तो ये मुझे बताइएगा कि कौन से उसके थे, पार्ट के थे, ठीक है. तो विच एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर. तो ये था कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंट मिलेगी, इसकी बात पहली बार किस कौन से एक्ट में हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और पहली बार 62 क्वेश्चन है, हु फर्स्ट वॉइस द आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया. तो मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुस्लिम स्टेट की बात की थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही ऐसी ऐसी चीज़ें ही जो है वो भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए कारण बनी थी, ठीक है. तो हु फर्स्ट वॉइस द आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, मोहम्मद इकबाल
कितना अच्छा होता जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सारा एक ही होता है इंडिया तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 63, हु वॉज द फर्स्ट फॉरनर टू इन्वेड इंडिया। तो पहला फॉरनर कौन था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था, डेरियस वन था। और ये सभी बातें अगेन मैं बोलूँगी कि एंशियंट हिस्ट्री में मैं पढ़ा चुकी हूँ। वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये थी जमशेदपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कहाँ पर पहली बार हुए थे, मतलब कब हुए थे, 1896 में, ठीक है। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मंगोल्स फर्स्ट इन्वेड इंडिया, तो इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स ने पहली बार इंडिया को इन्वेड किया था, याद रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन द ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज में पहली बार कौन सा भारतीय जो है सेलेक्ट हो गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हास्टिंग था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड, तो पहली बार ट्रेड करने के लिए कौन आए थे, यूरोपियन पूछा गया है, तो ये पुर्तगीज, ठीक है। विच डिकेड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एक मिनट, हाँ जी, विच डिकेड इज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, तो ये था 1994 से 2004 तक, इम्पॉर्टेंट है, पहला डिकेड माना गया है इंटरनेशनली वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, मतलब जो जहाँ के नेटिव पीपल है वही के ही है, उनके लिए जो डिकेड सेलिब्रेट किया गया था वो 1994 से 2004 तक का। विच डिकेड फर्स्ट सेलिब्रेटेड फर्स्ट UN डिकेड फॉर द इराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, की गरीबी ख़त्म करनी है, वो वाला डिकेड कौन सा सेलिब्रेट किया जाता गया था 1997 से 2006 तक का। उसके बाद विच वॉज द फर्स्ट एशियन लेडी स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये बहुत बार पूछा गया है, आरती साहा इसका राइट आंसर है, पहली बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली स्विमिंग करके ये लेडी थी आरती साहा। हु फर्स्टली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, पहली बार किसने बोला था, मैक्सवेल ने बोला था, ठीक है, थॉमस मैक्सवेल था शायद इनका नाम, मैं भूल गई, ठीक है, आप एक बारी सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद द मैसिव होल इन द ओजोन लेयर ओवर द एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर किया गया था कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, और वैसे मैं आपको बता दूँ ये कोई होल हूल नहीं है, ये थिकनिंग ऑफ द ओजोन लेयर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इतनी मोटी परत है, मान लीजिए ये ओजोन लेयर की इतनी मोटी परत है, तो वो यहाँ से ऐसे हो गई है, ठीक है, मतलब पतली रह गई है और ये सारी चीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इसकी थिकनिंग होने को बोला जाता है कि ओजोन होल हो गया, ठीक है। तो ये होल किसने पहली बार कब डिस्कवर किया था, 1985 में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट एयर चीफ टू रिसीव द ऑनर ऑफ द मार्शल, तो अर्जुन सिंह को पहला ऑनर मिला था ऑफ मार्शल का, और ये पहले एयर चीफ थे। बाय हुम वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट द वायरल डिसीज ऑफ द स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर है। आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स में और चिकन पॉक्स में थोड़े से डिफरेंस होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा क्या इंडिया ये दोनों से फ्री हो गया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 77 क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्या कहता है, इन विच ईयर वॉज द वंदे मातरम फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये 1896 में पहली बार गाया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वंदे मातरम किसने कंपोज किया था। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट अनेक्स्ट बाय द लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, तो ये पहला कौन सा था, सतारा, ठीक है, ऐसा स्टेट जो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अनेक्स किया था, हथियाया था, तो वो था सतारा, याद रखिएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वही था कि जिसका कोई नेचुरलाइज्ड सन या डॉटर नहीं है, मीन सक्सेसर नहीं है, उसकी ज़मीन ये ले लेते थे अंग्रेज, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही उसकी जो है एरिया छीना गया था, ठीक है, तभी वो 1857 के रिवोल्ट में उतरी थी, याद रखिएगा ये सभी बातें, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट टू लीगलाइज द इथोनेशिया, तो इथोनेशिया को पहली बार लीगलाइज करने वाला ऐसा देश नीदरलैंड्स था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 80th क्वेश्चन, इन इंडिया इन विच वॉज द सर्विस टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार
भारत में सर्विस टैक्स लगाया गया, कब लगाया गया? 1994 में। विच रूलर एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ द हज़रत ए आला एंड आफ्टर वर्ड सुल्तान? तो ये थे शेर शाह सूरी, ठीक है, ये तो, और ये अफगान रूलर थे, ठीक है। इन विच ऑफ द ईयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन जो हुई थी शुरू, वो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने शुरू की थी 1853 में, और मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें पूछा था कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये याद रखिएगा, बॉम्बे एंड थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन चली थी 1853 में, ठीक है। 83 क्वेश्चन कहता है, व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग, व्हाई वाज इट यूज्ड फॉर? तो किसके लिए यूज़ होते थे ये मेटल टूल्स? क्लियरिंग जंगल, जंगल को क्लियर करने के लिए पहली बार इन मेटल्स का यूज़ किया गया था। विच वॉज़ द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द बाइफर्केटेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता के बाद कौन सा स्टेट था जिसे अलग दो भागों में बांट दिया गया था? तो वो था मद्रास, ठीक है। बाई हुम वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मेड? तो किसने पहली बार अटैम्प्ट किया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो स्टार्ट की जाए? तो ये थे एम विश्वेरा राया, ठीक है। 86 क्वेश्चन कहता है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहला मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन था? तो ये थे बद्रुद्दीन तैयब जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी ना, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन थी वुमेन की बात जब हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड करने वाले बद्रुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो आज हम 100 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे। अच्छा, 87 क्वेश्चन कहता है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन? तो पहले इंग्लिश मैन कौन थे? देखो ये सारे जो हैं कांग्रेस सेशन जो कि हुए थे उनके ही आई जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये थे जॉर्ज यूले, ठीक है। इन विच ईयर सम मोर कमर्शियल बुक्स इन एडिशन टू द फर्स्ट लॉट ऑफ 141 वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया? तो ये 1980 में जो है वो ज़्यादातर जो कमर्शियलाइज्ड बैंक थे उनको एडिशन कर दिया गया था उनका टू द फर्स्ट लॉट ऑफ द 141 नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब उस कमर्शियल बैंक को ऐड कर दिया गया था नेशनलाइज्ड के साथ, ठीक है। तो ये 1980 में किया था। विच फर्स्ट मूवमेंट वॉज लॉन्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ये स्वदेशी मूवमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया गया था, ठीक है, कि स्वदेश की ही हमने चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करनी है और अंग्रेज़ों की नहीं करनी है। तो ये पहला मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बाय हुम वाज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड एस्टैब्लिश इन वैशाली? तो ये फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड पहली बार वैशाली में लिच्छवी ने ही किया था, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द जनपीठ अवार्ड? तो पहली वुमेन कौन सी थी जिसने ये जीता था? आशा पूर्णा देवी, याद रखिएगा नाम। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगसेसे अवार्ड? मैगसेसे अवार्ड पहली बार किसने, जो इंडियन थे उन्होंने जीता था? तो ये थे विनोबा भावे, ठीक है, सोशलिस्ट थे ये एक, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द राज्यसभा? पहले ओपोजिशन के लीडर जो कि राज्यसभा में बैठे थे वो कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो इन्होंने जो हमने पहले पढ़ा था वो वुमेन पढ़ी थी, ठीक है, आरती साहा जिसका हमने पढ़ा था। और ये यहाँ पे पूछा गया पहले इंडियन जो स्विम करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके गए थे, तो इनका नाम था मिहिर सेन, ठीक है, याद रखिएगा। 95th क्वेश्चन सेज दैट हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द, लो वही आ गया है, आरती साहा, ठीक है। तो ये रिपीट ही है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पहले भी हमने पढ़ा था और अब भी पढ़ा है, और ये भी इंडियन ही थी, याद रखिएगा, ठीक है। 96 क्वेश्चन कहता है, इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो राजस्थान में आया था, मुझे बताइए एक प्रॉपर जगह का नाम कौन सा था जहाँ पे ये आया था राजस्थान में, ठीक है। अगर मैंने इंडियन पॉलिटी कवर की तो ये उसमें प्रोबेबली आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी तक आप याद रख लीजिए पंचायती राज पहली बार राजस्थान में आया था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन इंडिया? तो पहला टर्किश किंगडम भारत में बसाने वाला उसका फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन
ऐबक, ठीक है, ये नाम गलत लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया ना, वो मिडीवियल हिस्ट्री वाली जो मैंने 5 वीडियोस कवर किए ना, जिसमें बहुत सारे मिडीवियल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये भी उनमें से भी ही है, ठीक है। तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर आपने वो पढ़े होंगे तो ये आपको ज़रूर आता होगा, ठीक है। 98 क्वेश्चन कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट अ भगवद गीता इन टू द इंग्लिश। तो ये चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। काफ़ी सारी बुक्स जो मतलब डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लैंग्वेज की होती थी ना, तो ये इनको इंग्लिश में भी काफ़ी कन्वर्ट करते थे यूरोपियंस, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है भगवद गीता को इंग्लिश में किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ठीक है। हु फर्स्ट डिवाइडेड हिज एम्पायर इन टू द इक्तास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इक्तास की पहली जहाँ पे बात आएगी, तो ये इल्तमिश ने किया था पहली बार डिवाइड अपने एम्पायर को इक्तास के अंदर, किस टाइम पे, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उनके उनके पीरियड में, ठीक है। 100 क्वेश्चन इज दैट विच कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग टीक, ठीक है। तो टीक प्रोड्यूसिंग जो है ऐसा कंट्री जो ज़्यादा टीक जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये प्लांट से रिलेटेड है और इसका राइट आंसर है थाईलैंड, ठीक है। अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।